रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया पूरे यूरोप का सबसे अमीर देश बन गया है। Most Russian banks have been blocked from the SWIFT global payment system. Also, many major brands have pulled out of Russia. Russian domestic production has come to a complete standstill. Now, Russia's economy took a hit from sweeping Western sanctions. Moscow is warning that inflation could hit 23% this year, and the economy is expected to sink into recession as well. The economy in Russia is in free fall. 24 फरवरी 2022 को रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होते ही इन सारे कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वो रशियन इकोनॉमी को मिट्टी में मिलाना चाहते थे। ब्रिटेन ने तो ये तक कह दिया था कि इन सारे सैंक्शन से वो रशिया को इकोनॉमिक डार्क एज में धकेल देगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो देखो, इकोनॉमिक डार्क एज तो दूर की बात, रशियन इकोनॉमी में तो इस वॉर की वजह से गोल्डन एज आ चुका है। क्या आप ये जानते हो, रशिया को ये वॉर स्टार्ट करते ही 12.5 ट्रिलियन डॉलर्स का डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट पूरे चाइना के जीडीपी से भी ज्यादा है। एंड यस, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। चाइना के जीडीपी से भी बड़ा प्रॉफिट रशिया को सिर्फ इस वॉर से हुआ है, जो आज हम डिटेल में समझेंगे कैसे। लेकिन इसके अलावा उनकी करेंसी रूबल आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन चुकी है। लेकिन वहीं पर दूसरे साइड में आज वेस्टर्न कंट्रीज का क्या हाल है। पूरे ईयू में इन्फ्लेशन आ चुका है। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, इन सारे वेस्टर्न पावर्स में तो जगह जगह प्रोटेस्ट, भुखमरी छाई हुई है। सो सवाल यहां पर यह उठता है कि रशिया ने यह मास्टर स्ट्रोक आखिर कैसे खेला। एक जंग जो उसे बर्बाद करने के लिए शुरू की गई थी, उससे रशिया ने अपने ही दुश्मनों को कैसे बर्बाद कर दिया। यस, ये पूरी जंग एक तरह से स्क्रिप्टेड थी यूएसए और ईयू द्वारा, जिसमें यूक्रेन को सिर्फ एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया गया था कुर्बान होने के लिए। ऑन द अदर हैंड, रशिया तो खुद ये जंग लड़ना भी नहीं चाहता था। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। 2013 तक तो दोनों देश एक दूसरे को भाई बुलाते थे, लेकिन ईयू और यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इन दोनों भाइयों को सौतेला भाई बना दिया। टू द एक्सटेंट कि ईयू ने तो यूक्रेन में एक पॉलिटिकल कू भी करवाया और उसी के सहारे यूक्रेन के भीतर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश कर दी थी। अब चलो, पॉलिटिशियंस तो रातों रात पलट गए, लेकिन यूक्रेन की जनता ने अपनी विचारधारा आखिर कैसे बदल दी। वेल, 2015 में सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम की एक टीवी सीरियल रिलीज हुई थी, जिसने यूक्रेन की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब ऐसा क्या था उस टीवी सीरियल में, मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। लेकिन ट्रूली मेरे हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर पूरी दुनिया का सबसे मिसअंडरस्टूड वॉर बन गया है। किस हद तक ये स्क्रिप्टेड है बाय यूएसए एंड ईयू और असली रियलिटी कैसे उससे कोसों दूर है, आज मैं एग्जैक्टली यही आपके सामने रखने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आजकल हर बड़ी कंपनी से भारी लेऑफ्स की न्यूज आ रही है। जैसे गूगल ने 30,000 एम्प्लॉयज को निकालने का प्लान बनाया और पेटीएम ने पहले ही 1,000 एम्प्लॉयज को ऑलरेडी ले ऑफ कर दिया है। ये ट्रेंड सिर्फ कुछ टेक रोल्स को नहीं, बल्कि नॉन टेक और एंटरप्रेन्योर्स तक को भी इफेक्ट कर रहा है। आज मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए एआई स्किल सीखना जरूरी हो गया है। लेकिन एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में एआई को अपनाने के बाद हमें किसी को भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। उल्टा हमारी टीम की एफिशिएंसी 2 गुना बढ़ गई। और इसीलिए मैं आप सभी को ग्रोथ स्कूल की एक 3 आवर फ्री ChatGPT और एआई वर्कशॉप अटेंड करने का रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। ये वर्कशॉप पेड होता है, लेकिन मेरे पहले 1,000 व्यूअर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री होगा। ये वर्कशॉप को अटेंड करके आप एआई के साथ जॉब हंटिंग, सैलरी में 3x हाइक, एक्सेल और प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग और बिजनेस ग्रोथ जैसे कई फील्ड्स में अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। मैंने खुद ये वर्कशॉप एक बार अटेंड किया है और मुझे काफी वैल्यूएबल लगा। टेक, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, मेडिकल या एंटरप्रेन्योर, ये वर्कशॉप सबके लिए है। 6 लाख लोग ऑलरेडी इस वर्कशॉप को अटेंड कर चुके हैं और ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। और इसीलिए डोंट थिंक फर्दर, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, रजिस्टर करो, क्योंकि ये वर्कशॉप आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। वॉर शुरू होते ही यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ने रशिया पर फ्यूल और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इन्होंने रशियन इकोनॉमी को कोलैप्स करने के लिए रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर निकाल दिया। वी कमिट टू एंश्योरिंग दैट अ सर्टेन नंबर ऑफ रशियन बैंक्स आर रिमूव्ड फ्रॉम स्विफ्ट। मतलब उन्होंने रशिया पर डॉलर्स यूज करने पर बैन लगा दिया था। बट ये बात यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज भूल गए थे कि वो 3 मेजर चीजों के लिए रशिया पर हेवीली डिपेंडेंट थे। और रशिया ने काफी स्ट्रेटेजिकली उन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके यूएसए और ईयू के एकदम जड़ पर अटैक किया। नंबर 1, फ्यूल। यूरोप को 45% फ्यूल्स यानी कि ऑयल और नेचुरल गैस डायरेक्टली रशिया से ही आता है और वॉर शुरू होते ही आईएमएफ के हिसाब से, क्योंकि यूरोप रशिया से तेल खरीद नहीं सकता था, तो उनका 80% फ्यूल रातों रात कट ऑफ हो गया, जिससे ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस उन देशों में रातों रात स्काईरॉकेट होने लगे। आईएमएफ के हिसाब से ये प्राइसेस 15 टाइम्स ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे। एग्जाम्पल के लिए, जो एलएनजी पहले 75 यूरोस पर मेगावाट आर का मिलता था, वो अब एकदम से 350 यूरोस पर मेगावाट आर का मिलने लगा। नंबर 2, मिनरल्स। अगर आप OECD के इस लिस्ट में देखोगे तो ये सारे मिनरल्स यूक्रेन वेस्ट को सप्लाई करता था, लेकिन वॉर के बाद रशिया ने उन पर कब्जा कर लिया और उनका सप्लाई ही कट ऑफ कर दिया। अब पूरे यूरोप की रिफाइनरीज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सब कुछ इन्हीं पर हेवीली डिपेंडेंट थी। यानी कि यूरोप यूक्रेन पर हेवीली डिपेंडेंट था, लेकिन रशिया ने तो यूक्रेन पर ही कब्जा कर लिया, जिससे यूरोप में इन एसेंशियल मिनरल्स की एकदम से शॉर्टेज हो गई और पूरे यूरोप का स्विच एक तरह से रशिया के हाथ में आ गया। नंबर 3, व्हीट। एक ऐसा फूड ग्रेन जिस पर पूरा यूरोप डिपेंडेंट है, वो है व्हीट। दुनिया का 10% व्हीट अकेले यूक्रेन प्रोड्यूस करता है और इसीलिए उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। उसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्हीट एक्सपोर्टर है रशिया। व्हीट के साथ यूरोप वेजिटेबल ऑयल, सीरियल्स और बहुत सी खाने पीने वाली चीजों के लिए भी रशिया और यूक्रेन पर ही डिपेंडेंट है। बट खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट फर्टिलाइजर भी आज इसी वॉर की वजह से यूरोप को नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि रशिया की फर्टिलाइजर बनाने में मोनोपोली है। सो मान लो अगर आप व्हीट कहीं और से भी ले लो या खुद उगाने की भी सोचो, लेकिन किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर तो एक बेसिक नेसेसिटी ही है। यूरोप की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि आज खाना भी गायब हो गया और खाना पकाने वाला चूल्हा भी गायब हो गया। आज यूरोप की हालत यह है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इस वॉर के बाद से ही पूरे यूरोप में, जहां पर पहले 8 लाख लोग अंडर नरिश थे, वही वॉर के बाद सिर्फ एक ही साल में यह आंकड़ा 13 लाख तक पहुंच गया। अब यहां पर एक और एक कॉमेडी। याद होगा वेस्ट के सैंक्शंस लगाते ही शुरू में बहुत सारी कंपनियां रशिया से बाहर जाने लगी थी। रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और उनकी करेंसी दोनों भी गिरने लगी थी। बट जैसे आपने देखा, वेस्टर्न कंट्रीज तो हेवीली रशिया पर ही डिपेंडेंट थी, इसीलिए उन्होंने फिर सीक्रेटली रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, रशिया के ऊपर आए इस आपदा को पुतिन ने भी मस्त अवसर बनाया। एक स्मार्ट मूव चलते हुए सबसे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से फ्यूल खरीदेंगे, अब से उनको फ्यूल परचेस का पेमेंट कंपल्सरीली रशियन करेंसी रूबल में ही करना होगा। अब इससे हुआ ये, ऑटोमेटिकली दुनिया में डॉलर्स की जगह पर रशियन करेंसी एक झटके में दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। रशिया ने यहाँ पर बिना एक भी मिसाइल लॉन्च किए पूरे यूरोप के दांत खट्टे कर दिए। अब अगर यहां पर थोड़ा और डीप जाए ना, तो रशिया ने 3 स्ट्रेटेजिक जगहों पर ध्यान दिया। नंबर 1, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल किया, फूड सप्लाई को कंट्रोल किया और अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करवाने पर फोकस किया, जिससे उसने इसी वॉर को अपने फायदे के लिए लेवरेज कर लिया और इसका डायरेक्ट असर पड़ा रशिया की इकोनॉमी पर। वी हैव सीरियस डेटा टू बैक दैट अप कि रशिया कैसे इस वॉर के बाद रिच हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल की। देखो, कड़वी सच्चाई यह है कि रशिया को खुद वेस्टर्न कंट्रीज ने ही अमीर बनाया। इनफैक्ट वेस्ट खुद इस वॉर में रशिया को पीछे से यूक्रेन के खिलाफ फंड कर रहा है, ना चाहते हुए, इवन दो वो फ्रंट फेस पर यूक्रेन को सपोर्ट दिखा रहा है। अब मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हुआ यूं कि रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होते ही वेस्टर्न कंट्रीज ने सबसे पहले रशिया के फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर ही सैंक्शन लगाए थे। इसी दौरान जब इंडिया भी रशिया से ऑयल खरीद रहा था, तब हम पर भी आरोप लगाया गया कि हम जो तेल खरीद रहे हैं उसमें यूक्रेनियंस का खून मिला हुआ है। बट आयरोनिकली एग्जैक्टली उसी समय पर वेस्ट के ये सारे प्रोमिनेंट देश रशिया से ही खुद ऑयल खरीद रहे थे, मगर बैक चैनल्स के थ्रू, ताकि किसी को पता ना चले। ऑल्सो विल यू बिलीव, ये कंट्रीज तो नॉर्मल इंपोर्ट से भी ज्यादा तेल रशिया से खरीद रहे थे और इसीलिए खुद एक प्रोमिनेंट यूएस ऑफिशियल ने ओपनली कहा कि रशिया इस वॉर में ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करके पहले से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। इनफैक्ट फ्रेंच न्यूज़पेपर लेमनेड के हिसाब से रशिया ने वॉर के दौरान सिर्फ फ्यूल बेच के ही 158 बिलियन यूरोस कमा लिए, जो अमाउंट 2 श्रीलंका जैसे देशों के जीडीपी के बराबर है। बट अब जरा नजर डालते हैं दूसरे सोर्स की ओर जिसने रशिया को अमीर बनाया, जो है वेपन्स। इसी वॉर की वजह से सिर्फ एक ही साल यानी कि 2023 में रशिया ने $5.2 बिलियन वेपन सेल से कमाए, वो भी सिर्फ अफ्रीकन नेशंस को वेपन बेचकर। माइंड यू, इसके अलावा बाकी फ्रेंडली कंट्रीज को वेपन बेचकर जो पैसे आए वो अलग है। इनफैक्ट डिफेंस एरोस्पेस के हिसाब से अफ्रीकन नेशंस ने तो अपने 2023 के वेपन इंपोर्ट्स में से 30% वेपन्स सिर्फ रशिया से ही ऑर्डर किए, और वो भी यूक्रेन वॉर के दौरान। और इस पे मैं इतना एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि लेट मी रिमाइंड यू, रशिया पे सैंक्शंस लगाने में ये अफ्रीकन नेशंस भी तो शामिल थे। पर ये हृदय परिवर्तन आखिर आया कैसे? इसके पीछे भी रशिया की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रेटेजी थी। इस बार रशिया ने सेल्स इंक्रीज करने के लिए कुछ नया ट्राई किया। उन्होंने जो वेपन्स एक्सपोर्ट करने थे उन्हें पूरी दुनिया को यूक्रेन पर टेस्ट करके बताया। यस, फ्री एडवर्टाइजमेंट। रशिया अपने वेपन्स की कैपेबिलिटी यूक्रेन में यूज करके बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये है उन वेपन्स की लिस्ट जो रशिया ने यूक्रेन में टेस्ट की थी। और अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट्स की लिस्ट तो आपको डिट्टो सेम वेपन्स का नाम उधर भी मिल जाएगा। मतलब रशिया लिटरली पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस स्लोगन को साकार कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से यूक्रेन इन्वेजन की वजह से रशिया को $12.4 ट्रिलियन वर्थ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि जैसे मैंने पहले बताया था दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना के GDP से भी ज्यादा है। चलो समझते हैं हाउ कुड दिस बिकम पॉसिबल। दरअसल रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करके बड़े ही स्ट्रेटेजिकली एक ऐसा एरिया अपने अंडर ले लिया जिससे उसे $12.4 ट्रिलियन वर्थ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वहां से रशिया को भारी मात्रा में रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल डिपॉजिट्स मिले हैं। अब अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो ये वही एरिया है जिसको ऑक्यूपाई करके आज रशिया को 41 कोल फील्ड्स, 27 नेचुरल गैस साइट्स, 9 ऑयल फील्ड्स और गोल्ड, यूरेनियम और लिथियम जैसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज एक झटके में मिल गए। अब अगर हम इन सभी रिसोर्सेज की वैल्यू ऐड करें और लैंड की भी वैल्यू ऐड करें तो यूएस के ही मीडिया के हिसाब से रशिया पूरे $12.4 ट्रिलियन वर्थ का लैंड और रिसोर्स यूक्रेन से कैप्चर कर चुका है, जिसे वो जब चाहे इजीली मोनेटाइज कर सकता है। सो सारे एविडेंसेस, डेटा और हमारे पूरे रिसर्च को थरली एनालाइज करने के बाद ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डेफिनेटली इस वॉर से रशिया ने काफी ज्यादा प्रॉफिट ऐठा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जिन भी कंट्रीज ने उस पर सैंक्शंस लगाए आज उनकी हालत वाकई में काफी खराब हो चुकी है। लेकिन इट डजंट स्टॉप ओवर हियर कि आखिर यूएसए और EU ने यूक्रेन को वॉर में क्यों ढकेला, उनका इसमें क्या फायदा था? वेल, यूएसए का मैं भी समझ सकते हैं, नेटो के लिए इस जंग में घुसा होगा या फिर वेपन्स बेच पाने के बहाने से। लेकिन EU को इससे क्या फायदा होता? वेल, जो फायदा उठाना था वो ऑलरेडी उन्होंने उठा लिया। जैसे मैंने कहा, रशिया कभी ये वॉर लड़ना ही नहीं चाहता था और यूक्रेन तो बस एक पपेट है। और फिर आप ये भी जानते हो कि रशिया और यूक्रेन के बीच एक टाइम पर काफी गहरी दोस्ती थी, इतनी गहरी कि आज जिस क्रीमिया रीजन को कब्जा करने के लिए रशिया को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो क्रीमिया रीजन रशिया ने 1954 में यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। यस, क्रीमिया रशिया का ही पार्ट था, बट दोस्ती की निशानी के तौर पर रशिया ने उसे यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था। और यूक्रेन भी रशिया पर उतना ही भरोसा करता था। जब न्यूक्लियर बैन ट्रीटी के अंडर यूक्रेन को उसके न्यूक्लियर वेपन्स सरेंडर करने कहा गया, तब यूक्रेन ने भी अपने वेपन्स रशिया को ही सौंपे थे। तो फिर आज इन दोनों में इतनी दुश्मनी कैसे हो गई? वेल, ये जानने के लिए ना थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। तब रशिया और यूक्रेन भी अलग हुए थे, लेकिन इस बंटवारे में कई रशियन स्पीकिंग लोगों को यूक्रेन में ही रहना पड़ा था और इसीलिए यूक्रेन अलग होने के बाद भी वहां पर प्रो रशियन सेंटिमेंट्स स्ट्रांग थे, जिस वजह से 1991 में अलग होने के बाद भी रशिया यूक्रेन को एक बड़े भाई जैसे इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में रशिया का इन्फ्लुएंस कम होता चला गया, क्योंकि वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चालू कर दिया। लेकिन अभी भी उनके ईस्टर्न पार्ट में रशिया का ही स्ट्रांग होल्ड था, क्योंकि इस एरिया में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा थी। सो 2014 तक भी रशिया और यूक्रेन के रिश्ते काफी अच्छे ही थे। लेकिन 2014 में इनके रिलेशन में एक ऐसा नया मोड़ आया जिसने यूक्रेन को हमेशा के लिए रशिया का दुश्मन बना दिया। नहीं, मैं क्रीमियन इन्वेजन की बात नहीं कर रहा हूं, एक पॉलिटिकल टर्मल जिसने एक्चुअली में इनके रिश्ते खराब किए। So, साल 2013 में वेस्ट ने यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का न्योता दिया। अब इस एग्रीमेंट के साइन होने से यूरोप को दो फायदे थे। एक, यूरोप के जीरो टैरिफ्स यानी कि इंपोर्ट टैक्सेस में उनके इंडस्ट्रीज के लिए एक मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर उन्हें मिल जाता जो कि यूक्रेन है, और दूसरा उन्हें एक नए मार्केट का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता। बट उस समय के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच के वजह से ऐसा नहीं हो पाया। विक्टर ने यूरोपियन यूनियन के ऑफर को रिजेक्ट तो किया, बट इसका एकदम उल्टा करते हुए उन्होंने रशिया के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन कर लिया। बेसिकली यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यूएसएसआर टूटने के बाद जो भी रशिया से निकले कंट्रीज है उनका एक ट्रेड ग्रुप है। सो यूक्रेन ने जैसे ही इस ग्रुप को ज्वाइन किया, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज को बुरा लग गया और उन्होंने ये ठान ली कि वो यूक्रेन को अपने झांसे में मैनिपुलेट करके रहेंगे। सबसे पहले इन वेस्टर्न कंट्रीज ने वेस्टर्न यूक्रेन में रहने वाले लोगों के थ्रू पूरे यूक्रेन में प्रोटेस्ट करवाए क्योंकि वो ऑलरेडी काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड हो चुके थे, जिसके बाद मेजर फ्रेंच न्यूज आउटलेट्स ने इन प्रोटेस्ट को यूएस बैक्ड बताया। यूएस और ईयू बैक्ड इन प्रोटेस्ट ने इतना वायलेंट रूप ले लिया कि इसमें 100 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए थे। इसे देखकर तब के यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर को मजबूरन हार माननी पड़ी और उनको प्रोटेस्ट लीड कर रही ऑपोजिशन पार्टी यूरोपियन सॉलिडरिटी के हेड पेट्रो पोरोशेंको के हाथों रूलिंग गवर्नमेंट को सरेंडर करना पड़ा। यानी कि दुनिया में खुद को डेमोक्रेसी के फ्लैग बेयरर्स बताने वाले वेस्ट ने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का सीधा कू करवा दिया अपने इलीगल फंडिंग्स के जरिए। इस इंसिडेंट के बाद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट विक्टर को अपनी जान बचाने के लिए रशिया भागना पड़ा क्योंकि पूरा वेस्टर्न यूक्रेन उनके खिलाफ हो गया था। अब अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो यूक्रेन में प्रोटेस्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी का नाम यूरोपियन सॉलिडारिटी है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी यूक्रेन की और नाम यूरोप से सॉलिडारिटी यानी कि एकता बढ़ाने का। इससे क्लियरली ये पता चल जाता है कि ये कितनी प्रो वेस्ट पार्टी है और इसका सबूत भी पार्टी लीडर पेट्रो पोरोशेंको ने बखूबी दिया। उनके प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले उन्होंने अपने आका यूरोप से किया वादा पूरा किया। बेसिकली उन्होंने यूक्रेन यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। एज अ रिजल्ट यूरोप को अब यूक्रेन से जो चाहिए था वो सब मिलना चालू हो गया, जैसे आयरन, स्टील, माइनिंग प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ एकदम कम भाव में मिलने लगा। ये आप इससे समझ सकते हो कि जहां पर 2014 के पहले रशिया यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, बट इसके बाद ईयू यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। बट न्यूली पावर में आए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पेट्रो ने यूरोप को खुश करने के चक्कर में अपने नेबर और पुराने दोस्त रशिया से ही दुश्मनी लेना चालू कर दी थी। पहला डिस्प्यूट चालू हुआ यहाँ इस मैप में दिखने वाली रशियन गैस पाइपलाइन से जो यूक्रेन से होते हुए यूरोप जाती है। रशिया इस पाइपलाइन का रेंट पे करता था। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से दोनों कंट्रीज के बीच वॉर होने के बाद भी रशिया सालाना 1 to 1.5 बिलियन डॉलर्स का एनुअली रेंट यूक्रेन को पे कर रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने तो इस रेंट को बढ़ाया भी था, बट पावर में आने के बाद उन्होंने यह भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि यूक्रेन को इस पाइपलाइन की 51% ओनरशिप दे दो। इसके जवाब में रशिया ने यूक्रेन को उधार में दिए नेचुरल गैस के बिल को चुकाने कहा और इस पॉइंट से दोनों देशों के बीच रिलेशंस खट्टे होने लग गए। लेकिन रशिया यूक्रेन के रिलेशंस में फाइनल ब्लो 9 जुलाई 2016 को आया जब नेटो और यूक्रेन ने मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस पैकेज साइन किया। अब ये तो सिर्फ नाम के लिए असिस्टेंस पैकेज था क्योंकि अगर आप खुद व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर देखोगे तो इस असिस्टेंस पैकेज के नाम पर यूक्रेन के लिए 335 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स दिए गए थे। अब नेटो क्या है और रशिया उससे क्यों चिढ़ता है, ये आज क्लास 6 का बच्चा बता देगा। ये 30 कंट्रीज का यूएस लेड मिलिट्री ग्रुप है। यूक्रेन को नेटो में ऐड करके रशिया के आसपास अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है, उसे कंटेन और कंट्रोल करना चाहता है और इसीलिए वो यूक्रेन को एड दे रहा था। बेसिकली आप इस मैप को देखकर समझ सकते हो कि नेटो फोर्सेस के यहाँ आते ही रशिया का इतना लंबा बॉर्डर डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है। अब ऐसे में रशिया ने ओपनली कई बार यूक्रेन के साथ साथ डायरेक्टली यूरोप से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो यूक्रेन को नेटो में इंक्लूड ना करे, बट वेस्ट नहीं माना। नेटो ने इसके बावजूद यूक्रेन को ग्रुप ज्वाइन करने की ऑफर दे दी। लेकिन फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूक्रेन क्यों खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो इस जंग के लिए राजी कैसे हुआ? एक सिंपल से टीवी सीरीज के वजह से। बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने तो यूक्रेन को सिर्फ जंग के दरवाजे तक ले जाकर छोड़ा था, एक टिपिंग पॉइंट तक लेकर गए थे, बट यूक्रेन की ही एक टीवी सीरीज ने यूक्रेन को सीधा जंग लड़ने पर उतार दिया। दरअसल बात कुछ ऐसी है, साल 2015 में यूक्रेन में एक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ द पीपल। इस टीवी सीरीज की स्टोरी लाइन बेसिकली एक आइडियल प्रेसिडेंट कैसे होना चाहिए उस पर बेस्ड थी। अब ये सीरीज इतनी फेमस हो गई कि अगले ही साल 2016 में इस सीरीज के कॉमेडियन एक्टर सेम सर्वेंट ऑफ द पीपल नाम से एक पार्टी स्टार्ट करते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और जानते हो वो कॉमेडियन एक्टर कौन है? वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की। अब ज़ेलेंस्की भी प्रो वेस्ट ही थे शुरुआत में। उन्होंने तो पावर में आते ही डायरेक्टली नेटो ज्वाइन करने की बात कर दी, जबकि यूक्रेन नेटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से एलिजिबल ही नहीं था। बट वेस्ट के झांसे में आकर उन्होंने अपने देश को वॉर में ढकेल दिया। बेसिकली आर्टिकल 5 के हिसाब से कोई भी कंट्री जिनका बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो नेटो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सकता। फिर भी यूएस ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन को नेटो ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया। अब गाइस यहां पर रशिया से ना हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिलती है, हम इंडियंस को भी और हमारे देश इंडिया को भी। और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस टॉपिक के जरिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्टीमेटली ये सब दुनिया भर के चर्चे तो चलते रहेंगे, लेकिन अंत में पर्सनल लेवल पर हमें इससे कुछ प्रैक्टिकल सीख मिलनी चाहिए, कुछ ऐसे आइडियाज जो हमारी लाइफ और हमारे देश को अपलिफ्ट कर सकते हैं। रशिया ने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल दाव खेला। उसने अपनी उन काबिलियतों और विशेषताओं को परखा जो उसमें यूनिक और एक्सक्लूसिव थी, और क्योंकि रशिया की ये यूनिक काबिलियत दुनिया भर में रेयर थी, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रीमियम हो गई। और फिर रशिया ने उन्हें एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में अपनी मोनोपोली बना दी, यानी अपने पर उनकी डिपेंडेंसी क्रिएट करवा दी। और फिर दूसरे देशों को मजबूरन उसके सामने सो कॉल्ड सैंक्शंस लगाने के बाद भी झुकना ही पड़ा। दूध देने वाली भैंस के लात भी आखिर सहने पड़ते हैं। ऐसी सिमिलर सीख हमें नेदरलैंड्स जैसी एक छोटी कंट्री भी देती है। ये कंट्री इतनी छोटी है पर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली मशीन्स मैन्युफैक्चर करने में इसकी मोनोपोली है। मतलब अगर इसने वो मशीन सप्लाई करना बंद कर दिया तो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, राइट फ्रॉम आपका मोबाइल फोन से लेकर लॉन्च हो रहे सैटेलाइट्स तक, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अब जरा सोचो, क्या कोई कंट्री डायरेक्टली इससे लड़ना चाहेगा या उसे दबाना चाहेगा? और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। Everything starts from identifying your strengths and playing on it. अपने weaknesses पर compete करने की कोशिश करना हारने वाली strategy है। अगर आप एक student हो और decide कर रहे हो कि मैं अपने career में क्या करूं, well, अपनी unique विशेषता, अपनी खूबियां पहचानो जो सिर्फ और सिर्फ आप में है और जिसका बाहरी दुनिया में डिमांड और वैल्यू है, जैसे रशियन ऑयल या व्हीट का था। उसे और निखारो और कंपटीशन को डोमिनेट करो। अगर आप जॉब करते हो 10 काम करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने वाले 3 या 4 काम पहचानो जो आपकी खूबियों और काबिलियतों से अलाइन होते हैं और उसमें आग लगा दो। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आपके कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की यूनिक काबिलियतों को पहचानो जिसकी कस्टमर मार्केट में खोज कर रहा है और उस पर अपनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और सर्विसिंग डेवलप करो। अपने आप को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो ऐसे तरीके से कि कॉम्पिटिटर के लिए उस गेम में कम्पीट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उस यूनिक मिट्टी का बना ही नहीं है। और आप अपने मार्केट में मोनोपोली हासिल कर लोगे। हम सब कभी ना कभी ये भूल जाते हैं कि हमें अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलना है, वीकनेसेस पर नहीं, और हमारी लाइफ में स्ट्रगल कम और ग्रोथ, डेवलपमेंट और हैप्पीनेस बढ़ जाती है। मुझे आज ये देखकर काफी खुशी होती है कि हमारे देश के लेवल पर भी यही सोच आज इंप्लीमेंट की जा रही है, जैसे हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है, जो हर भारतीय डिस्ट्रिक्ट में एक छुपे हुए हीरे प्रोडक्ट को खोज निकाल रही है, उसकी ब्रांडिंग करवाकर उसे दूसरे देशों में तक एक्सपोर्ट करवा रही है और इकोनॉमी को इससे भारी बूस्ट मिल रहा है। वंस अगेन सेम प्रिंसिपल, अपने स्ट्रेंथ्स पर खेलो। First step towards success always starts with recognizing your hidden true potential. Once again, same principle, अपने strengths पर खेलो। मैं इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड करना चाहूंगा बस एक कोट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो I'd recommend आप नेदरलैंड्स वाला भी वीडियो देखो कि कैसे इस छोटे से देश ने सिर्फ सेमीकंडक्टर पॉलिटिक्स के वजह से सारे बड़े देशों को अपने फेवर में कर लिया। क्लिक ओवर हियर टू चेक आउट दैट वीडियो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ChatGPT और AI का इस्तेमाल करके अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, ChatGPT को सही तरह से यूज करने के टिप्स और ट्रिक्स सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से ग्रोथ स्कूल की 3R वर्कशॉप के लिए साइन अप करना ना भूलें। पहले रजिस्टर करने वाले 1000 सब्सक्राइबर्स को ये वर्कशॉप कंप्लीटली फ्री में मिलेगा। सो इफ यू फाइंड वैल्यू, चेक आउट नाउ and see you next time. Jai Hind.